गौर से सुन लो है क्या तेरा रजब, गौर से सुन लो है क्या तेरा रजब, रब की है एक खास अता तेरा रजब, रब की है खास एक अता तेरा रजब। और मेरे मौला की विलादत का है दिन, मेरे मौला की विलादत का है दिन, बरकतों की इंतहा तेरा रजब। मेरे मौला की विलादत का है दिन, बरकतों की इंतहा तेरा रजब। और इसी से मुतालिक कि आज का दिन अली की विलादत का है, आज का दिन अली की विलादत का है, कौन कहता है ये दिन खुशी का नहीं। आज का दिन अली की विलादत का है, कौन कहता है ये दिन खुशी का नहीं, और कौन कहता है ये दिन खुशी का नहीं। जो है मुनकिर अली के सुने गौर से, जो है मुनकिर अली के सुने गौर से, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं। जो है मुनकिर अली के सुने गौर से, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं। इस हाथ से थोड़ा मजबूर हैं। और ये भी चार मिसरे समाप्त फरमाए आप कि जिसका सानी ही न हो उसको अली कहते हैं, जिसका सानी ही न हो उसको अली कहते हैं। एक मैं ही नहीं कहता हूँ सभी कहते हैं, जिसका सानी ही न हो उसको अली कहते हैं। एक मैं ही नहीं कहता हूँ सभी कहते हैं, एक मैं ही नहीं कहता हूँ, जिसका मौला हूँ मैं उसके अली हैं मौला, जिसका मौला हूँ मैं उसके अली हैं मौला। ये कोई और नहीं, ये बात नबी कहते हैं, ये कोई और नहीं, ये बात नबी कहते हैं। और आखिरी चार मिसरे और ये समाप्त फरमा लें कि मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ गौर से सुनिए ज़रा, मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ गौर से सुनिए ज़रा, हो अगर शक इसमें तो पढ़िए हदीसे मुस्तफ़ा, हो अगर शक इसमें तो पढ़िए हदीसे मुस्तफ़ा। इसलिए लोगों इबादत मैं समझता हूँ इसे, जिक्र अहले बैत है जिक्र नबी जिक्र खुदा। मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ गौर से सुनिए जरा, हो अगर शक इसमें तो पढ़िए हदीसे मुस्तफ़ा। इसलिए लोगों इबादत मैं समझता हूँ इसे, जिक्र अहले बैत है जिक्र नबी जिक्र खुदा। और मनकबत मुकम्मल मनकबत के लिए जी सर मतलब समाप्त फरमाए, क्या पूछते हो क्या नहीं और क्या अली का है, क्या पूछते हो क्या नहीं और क्या अली का है, क्या पूछते हो क्या नहीं और क्या अली का है। बस यूं समझ लो सारा जमाना अली का है, बस यूं समझ लो सारा जमाना अली का है। क्या पूछते हो क्या नहीं और क्या अली का है, बस यूं समझ लो सारा जमाना अली का है। बस यूं और शेर समा फरमाए के तूफान उधर निगाह उठाए मजाल क्या, तूफान इधर मजाल उठा, तूफान इधर निगाह उठाए मजाल क्या, तूफान इधर निगाह उठाए मजाल क्या, कश्ती पर मेरी नाम जो लिखा ली का है, कश्ती पर में तूफा इधर निगाह उठाए मजाल क्या, कश्ती पर मेरी नाम जो लिखा ली का है। और समाप्त फरमाए के ईसार हो
वफा हो के हो इल्म आ गई, ईशार हो वफा हो के हो इल्म आ गई, ईशार हो वफा हो के हो इल्म आ गई, जो कुछ है अपने पास वो सदकाली का है, जो कुछ है अपने पास वो सदकाली का है, ईशार हो वफा हो के हो इल्म आ गई, जो कुछ है अपने पास वो सदकाली का है, जो कुछ है अपने पास वो सदकाली का है। और सूफी साहब दुआएं चाहिए आपके से समात्रमाए कि तारीख है गवाह के बातिल की पैरवी, तारीख है गवाह के बातिल की पैरवी, तारीख है गवाह के बातिल की पैरवी, जिसने कभी न की वो घराना अली का है, जिसने कभी न की, तारीख है गवाह के बातिल की पैरवी, जिसने कभी न की वो घराना अली का है, जिसने कभी न की वो घराना अली का है। और वो भाई अभी आपने बयान किया था तकरीर में समात फरमाए कि देकर अलम कहा ये नबी ने के आज से, दूसरे में से गिदा चाहूंगा, देकर अलम कहा ये नबी ने के आज से, खैबर शिकन भी एक लकब मौला अली का है, खैबर सिकन भी एक लकब मौला अली का है। और आखिरी से समात फरमाया कि अब देखना है कैसे नहीं होती है कबूल, अब देखना है कैसे नहीं होती है कबूल, शामिल मेरी दुआ में वसीला अली का है, अब देखना है कैसे नहीं होती है कबूल, शामिल मेरी दुआ में वसीला अली का है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अब देखना है कैसे नहीं होती है कबूल, शामिल मेरी दुआ में वसीला अली का है, शामिल मेरी दुआ में वसीला अली का है। और मक्ते में समात फरमाए और ऐसे ऐसे मक्ते कह के ही भाई वहाँ की ज़ियारत करके आए होंगे। मक्ता समात फरमाए कि सद शुक्र मैं नसीर हूँ मद्दाहे अहले बैत, सद शुक्र मैं नसीर हूँ मद्दाहे अहले बैत, सद शुक्र मैं नसीर हूँ मद्दाहे अहले बैत, मेरे तमाम घर में उजाला अली का है,